हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे? उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं नीना आज आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, तो उस वीडियो में काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिनका मुझे लगा अगर मैं रिटर्न में जवाब दूंगी तो उतना सही से क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। तो उस वीडियो पर अभी रिसेंटली एक नेहा कुमारी का क्वेश्चन आया है कि बिना मतलब के ताना मारे तो क्या करें। यहाँ पर मैं आपको जो न्यू है, जिनको नहीं पता है कि किस बारे में बात हो रही है, तो एक तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, आप उसमें भी डिटेल में चेक कर सकते हो। और दूसरा मैं यहाँ पर बता दूँ कि सास ससुर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ नेहा जी कह रही हैं कि बिना मतलब के अगर सास ससुर ताना मारे तो क्या करें। अब यहाँ पर नेहा जी, सबसे पहली बात है कि दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले है कि अगर यहाँ पर आप न्यूली मैरिड हैं, आप नई नई शादी हुई, या फिर कोई भी ऐसा व्यूवर्स देख रहा हो जिसकी नई नई शादी हो, उसके साथ भी ये सिचुएशंस आ रही हों, तो आप वहाँ पर समझने की कोशिश करें कि आपको अगर ताना दिया जा रहा है तो कहीं आप में ही तो कमी नहीं है। आप इस चीज़ को परखने की कोशिश करें कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस बात के ऊपर आपको ताना दिया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें आप ही की गलती हो। सबसे पहले आप उसे ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि हर घर के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। तो आप उस चीज़ को टटोलने की कोशिश करें कि क्या सच में वाकई में मुझ में कोई कमी है, या मैं कोई गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ किसी चीज़ को। तो फिर अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो उसको आप सुधारने की कोशिश करें, और नहीं लगता है, आपको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, कोई ऐसी गलती नहीं है, फिर भी आपको टोका जा रहा है और आपको बिना मतलब के ताना मारा जा रहा है, तो फिर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें या डिस्कस करें बैठ करके कि आप इस तरीके से क्यों बिहेव करते हैं। और फिर भी अंडरस्टैंड नहीं होते हैं तो आप अपने हस्बैंड से डिस्कस कर सकते हैं, जो आपको ताना मारते हैं उनसे डायरेक्टली डिस्कस करें, बिल्कुल डायरेक्टली बताएं, बोलें। क्योंकि ऐसा नहीं, लड़ाई झगड़े की बात से ना डरें कि लड़ाई झगड़ा आप इस वे में पूछें जैसे आप वाकई में अपनी मम्मी से बात करते हैं, अपनी बहन से बात करते हैं, अपनी अपने किसी नियर से बात करते हैं, तो उसी तरीके से आपको ऐसा नहीं कि रूडली तरीके से पूछना है। आप पूछ सकते हो डायरेक्टली कि अगर आप मुझे ये इस चीज़ का ताना दे रहे हो तो बताइए इसका रीज़न क्या है, किस वजह से मुझे ताना दिया जा रहा है, जबकि काम बिल्कुल परफेक्टली है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली है, फिर आप मुझे ताना क्यों दे रहे हो, तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है प्रियंका जी का, वो कहती है कि देखिए चाहे जो भी हो लेकिन सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, यही सच्चाई है, रियलिटी है। तो कंडीशंस दो हैं, अगर स्टेप है तो वो आपकी कभी अपनी नहीं बनेगी, और अगर रियल है तो वो हमेशा आपकी अपनी ही होगी। अगर आपको वो डांट रही है तो आप सोचिए कि कोई कमी तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं मैं कर रही हूँ जिस वजह से मुझे डांट रही है, अरे वाकई में मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं किया। आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रियल आपको डांट रही है ना कोई कमी फिर है, आपको उसे सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन अगर स्टेप है वो डांट रही है, अगर आपकी सास स्टेप है वो डांट रही है आपको, फिर अगर आप बिल्कुल क्लियर हो तो आप फिर टेंशन मत लो, फिर आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो और उनकी बातों को भी रखिए, मानिए। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल इग्नोर करिए, क्योंकि मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसके साथ अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो फिर आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी फिर आप अपने आप ही आपको बनानी पड़ेगी। वहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा उनकी यही रहेगा इमेज कि इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको किस तरीके से हम गिराएं, इसको किस तरीके से गलत ठहराएं, इसके काम को कैसे हम गलत बोलें कि ये तो तेल ज़्यादा डालती है सब्जी में, ये तो झाड़ू तोड़ देती है, ये तो बर्तन धोते धोते कुछियाँ तोड़ देती है, साबुन ज़्यादा खर्च करती है, तो वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं ब्लेम करने में लगी रहेगी। आप चाहे कितना भी अच्छा कर लोगे वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। उसमें आपको, उस कंडीशन में आपको अपनी इमेज खुद बनानी है, कैसे बनानी है वो आपको देखना है। और बेमतलब से अगर वो आपको टॉर्चर कर रही है और आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं उसने मुझे टॉर्चर किया है, मैं तो परेशान हो जाऊंगी, मैं तो रोऊंगी, मैं तो बहुत परेशान होगी, वो आप सिर्फ अपने शरीर को नुकसान पहुंचाओगे। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि ये गलती करने से आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाओगे और कुछ नहीं है। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि देखो, अगर आपकी रियल सास है तो वो आपकी माँ के बराबर ही है, वो आपको कभी भी इंसल्ट नहीं करेगी बिना मतलब के। अगर वो इंसल्ट कर रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है, उसे आपको सुधारने की ज़रूरत है। और अगर स्टेप है तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो तो कोई मौका छोड़ेगी ही नहीं आपकी इंसल्ट करने में।
तो बस आपको यही ध्यान रखना है। और ये जरूरी नहीं है कि सास कभी भी माँ नहीं बन सकती, ये गलत है। माँ बनती है और माँ ही होती है, और वो आपको हर जगह अगर डांट भी रही है तो आपको खुद को, क्योंकि होता है ना कि मैच्योरिटी लेवल कम होता है जिन लोगों को घर में रहने की ज़्यादा, क्योंकि आपने पढ़ाई में सारा टाइम निकाला हो, शुरू शुरू में आपको ज़्यादा घर का नॉलेज नहीं हो, तो जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो नहीं होता इतना नॉलेज, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं गलती आपसे भी हो जाती हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपने बोला है कि बेटी कभी, जो बहू है वो कभी बेटी नहीं बन सकती, तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बेटी भी, बहू भी बेटी बन सकती है। और क्योंकि जब भी बहू शादी करके आती है वो ये तो सोच के नहीं आती, यार मैं तो घर में लड़ाई डाल दूंगी, जाती मैं तो दो घर बना दूंगी, मैं तो हस्बैंड को लेके अलग हो जाऊंगी। और हस्बैंड कौन सा इतने सीधे होते हैं, है ना, इतने शाणे तो होते, इतने सीधे तो होते नहीं है कि फट से आपकी बातों में आ जाए। ठीक है, कितना टाइम लगता है जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद जाकर के पता नहीं उनको भी विश्वास होता है। ये ऐसी ही लाइफ है, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ हो जाती है, ये कंडीशंस हो जाती हैं जिसको देख देख करके फिर इंसान उस तरीके का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बेटी जो है वो पहले से ये डिसाइड करके आती है कि मैं तो दो घर बनाऊंगी, ऐसा कभी होता है क्या? कोई लड़की ऐसा सोचती है? जो सोचती होगी तो मुझे लगता है कि उससे घटिया कोई लड़की नहीं होगी। नेक्स्ट कमेंट आया है सो स्वीट आईडी से, तो इनका नाम तो नहीं मैं जानती हूँ। इन्होंने लिखा है कि मैम मेरी जो सास हैं, तो जब से मेरी शादी हुई है, मैं सबसे शादी करके आई हूँ, तब से बस मुझे ताने ही देती रहती हैं, मेरे में कमियाँ निकालती रहती हैं और अपने बच्चों की तारीफ करती रहती हैं, जीना हराम करके रखा हुआ, मेरी सबसे बुराई करती रहती हैं, यहाँ तक कि मेड से भी मेरी खूब सारी बुराई करती हैं। मैम मैं बिल्कुल लोनली फील करती हूँ, मेरे हस्बैंड बस मदर की ही सुनते हैं और उन्हें मेरी बात कोई भी सच नहीं लगती है, और मेरे मायके में भी फूड डलवाने की कोशिश करती रहती हैं ताकि मैं अकेली हो जाऊं, और अब तो मुझसे खाना तो दूर की बात है, चाय तक भी नहीं बनवाती हैं और कोई भी काम नहीं करवाती हैं, और लोगों से कहती हैं कि ये कोई भी काम नहीं करती हैं। तो मैंने उन्हें जवाब भी दिया कई बार पर उन्हें कोई असर नहीं होता है, अब मैंने बात करना ही बंद कर दिया है, क्या करूँ? तो यहाँ पर देखिए सो स्वीट, मैं आपका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन आपने जो ये कमेंट लिखा है इसमें मैं आपको यही बताऊँगी कि अगर आपकी, आप न्यूली मैरिड हैं, नई नई शादी हुई है, तो उस कंडीशन में आपको देखो, क्योंकि देखो जब भी कोई सास है वो घर को बनाती है ना, तो वो हमेशा सोचती है कि वो अपने ही तरीके से बनाए, चाहे उनकी कितनी भी रूढ़िवादी सोच हो, कितना भी काम का तरीका, कितना भी फोहर टाइप का हो, लेकिन उनको लगता है कि आई एम द बेस्ट, क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो मैं बेस्ट हूँ, चाहे मैं गलत ही कर रही हूँ फिर भी मैं बेस्ट हूँ। तो आप अगर आप नए नए गए हो तो आप उन्हीं के तौर तरीके अपनाते हुए थोड़ा थोड़ा काम करें, जब आप धीरे 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 रस बस जाएं तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एकदम से स्टार्टिंग में आप चाहें कि आप अपने तौर तरीके बनाएं, अपने तरीके से काम करें, तो जैसे आप बता रहे हो ना कि वो हर काम में कमी निकालती है, तो हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हो उसे नहीं पसंद आता हो, तो आप कोशिश करें, देखें कि वो किस तरीके से काम कर रही है कुछ टाइम के लिए, मतलब जब तक कि आप वहाँ पर एडजस्ट ना हो सकें, हो जाएं, या फिर जब तक आप वहाँ पर पूरा सेटल ना हो जाएं, आपके ऊपर फेथ करने लगे, एकदम से नहीं करते हैं, क्योंकि चाहे आप कितने भी सच्चे हों, कितने भी अच्छे हों, एकदम से नहीं आप घुल मिल सकते, रच बस सकते हैं, आपको हमेशा संदेह की दृष्टि से ही देखा जाता है, जो मैंने नोटिस किया है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कुछ। तो आपको वहां पे ना एक देखो, वैसा तो मैं सासू से यही कहूंगी कि उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो जब वो जब शादी करके आई थी उस टाइम पे रूढ़िवादी सोच होती थी, लोग बहुत ज्यादा बहू को लेकर के कि बहू ही करेगी ये काम, वही। आजकल वो समाज नहीं रहा है, आजकल हर किसी को आज़ादी है अपने तरीके से जीने की, तो अपनी ज़बरदस्ती अगर वो लोग अपनी सोच को डालते हैं तो वो भी गलत है। आप समझने की कोशिश करो, बेचारी वो लड़की है, अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके आती है, तो आप भी उसे एक बेटी की तरह रखने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें। और बहुत अजीब लगता है कि जब एक घर परिवार में लड़की रह करके भी कहती है कि मैं बिल्कुल लोनली फील करती हूँ, और आप उसकी बुराई उसके पेरेंट्स से भी कर रहे हो। देखो, और हाँ, यहाँ पर मैं सो स्वीट जी से आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपने बोला है कि मेरे पेरेंट्स को भी वो लोग भड़काने की कोशिश करते हैं, तो मैं आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र हो जाऊँ कि आपके पेरेंट्स कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो आपकी रग रग को जानते हैं, आप इतने साल अपने पेरेंट्स के साथ रहे हो, तो पेरेंट्स अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेंगे,
करेंगे, अगर आप में कोई गलती होगी तो पेरेंट्स आपको समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन वो आपका बुरा कभी नहीं सोचेंगे, आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। और दूसरी बात है कि आप अपना मन कहीं लगाने की कोशिश करिए, ताकि आपका उन चीज़ों पे दिमाग जाए ना कि क्या लड़ाई है, क्या झगड़ा है, वो मुझसे कैसे बात कर रहा है। आप अपने माइंड को ना रिलैक्सिंग करिए, आप मेडिटेशन करिए थोड़ी देर। अगर आप आधा घंटा भी मेडिटेशन करेंगे, दिमाग पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा और आपको जो भी नेगेटिव थॉट होंगे वो धीरे धीरे सफाई होती जाएगी। और कोई बोल भी रहा है तो उसे इग्नोर करेंगे तो वो अपने आप कुत्ता कब तक भौंकेगा, एक बार भोंकेगा, दो बार भोंकेगा, भोंकता जाएगा। जब आप कोई रिएक्शन ही नहीं दोगे तो फिर कुत्ता तो भोंक भोंक के थक जाएगा ना। तो बस वही काम आपको करना है, आपको लोनली फील नहीं करना है। आप अपना कोई आपके हैबिट है, गुड हैबिट्स हैं तो आप उनके उन पे ध्यान दीजिए। आपको पेंटिंग करना पसंद है, पेंटिंग कीजिए। बुक्स पढ़ना पसंद है, बुक्स कीजिए। मेडिटेशन कीजिए। आप ऐसी चीज़ों में अपना दिमाग लगाइए कि लोनली आप महसूस ही मत कीजिए। देखो, इंसान अकेला आया था, अकेला ही जाएगा, और ज़िंदगी अकेले ही जीनी है। परिवार तो एक होता है कि ठीक है, समझने के लिए, एक दूसरे के दुख सुख के लिए। तो आप जो है वो, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी गुड हैबिट्स की तरफ ध्यान देते हुए उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाइए, अपना काम करिए। जो आप कह रहे हैं कि आपको काम नहीं करने देती हैं, तो आप खुद ही कहिए, प्यार से कहिए, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। तो आप उन्हें प्यार से कह दीजिए कि नहीं आप हटिए, आज मैं खाना बनाऊँगी। आप अपनी पसंद की, अगर आपको कुकिंग पसंद है तो अपनी पसंद की डिशेज़ बना करके खिलाइए, है ना। तो इस तरीके से आप इम्प्रेस करने की कोशिश करिए। कोई इम्प्रेस नहीं होता तो फिर आप अपनी हैबिट पर ध्यान दीजिए, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो देखो, आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज तो मैं ये तीन ही क्वेश्चंस ले रही हूँ। और अगर फिर होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके, या आने वाली कुछ वीडियोस में, जैसे भी होगा, तो मैं आपके और क्वेश्चंस के आंसर भी देना चाहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ, देखो मैं चाहती हूँ कि हर किसी की लाइफ खुशहाल बने, हर कोई हैप्पीली जिए और हर कोई एक दूसरे को समझे। आजकल वो रूढ़िवादी सोच रही नहीं है, अपनी सोच को बदलिए। दोनों तरफ के एजुकेटेड लोग हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। क्या घर गृहस्थी, क्या लड़ाई झगड़ा, है ना। इतना बड़ा वायरस होने की वजह से कितने लोग यहाँ पर, हम कितनों को खो देते हैं, कब क्या हो जाए, कोई बीमारी हो जाए। तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए और प्यार से रिश्तों को निभाने की कोशिश करिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी। तो देखो, मैं अपनी तरफ से जो मेरी सोच थी मैंने आपके साथ शेयर करी है, और आप सबकी सोच क्या कहती है तो आप ज़रूर से मुझे भी बताने की कोशिश करें। और कोई आप जानना चाहते हो इस बारे में कोई क्वेश्चंस, तो देखो उम्र का तकाजा होता है कि जिस जो न्यूली मैरिड होते हैं उनका अलग तरीका होता है जीने का, और जिनको कुछ टाइम हो जाता है उनको काफ़ी अंदाजा हो जाता है। तो यही होती है ज़िंदगी। तो अगर कोई आप अपनी क्वेश्चंस, अपने दिल की बातें मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं और मैं पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।